दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी ग्यारह अगस्त दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर, जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े-बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमरे मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तब तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की रेटिंग एंड को फिफ्टी सेवन परसेंट तक फ्रेश बताया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है।, है।, का है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को फोर्टी तक लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलकप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिजी लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक तेज धावक है रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की दी गई है रोटेन टोमेटोस ने एंडी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को फोर्टी तक लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए कि इस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसीज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है। कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे थे, वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक तेज धावक है रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं तो आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का okay. प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे साफ होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच पहाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों चंदन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पांच की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटोस ने एंडी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि, कि किस तरह की मूवी है यह मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 49 नाइन तक लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंगे विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से पहुंचाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी ग्यारह अगस्त दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वे उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तब तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों चंदन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों के, के बारे में तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 49 परसेंट लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में, तो इस में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजेक कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिजी लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है होता कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और के पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं Osionfish. तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजे कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसीज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है। कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो, तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इंफॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग ते मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे साफ होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच पहाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं तो आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से पहुंचाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी ग्यारह अगस्त दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इंजे कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक तेज धावक है रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वे उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर, कर लीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं द तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं Osionfish. तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिजी लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है होता कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा ने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसीज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक तेज धावक है रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इन इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो, तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े-बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिजी लगाए गए थे थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज़ धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे क्या होने वाला इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगिल नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे एहसास होता है कि वे एक तेज धावक है रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी माँ को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की माँ की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच पहाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब आपकी रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी ग्यारह अगस्त दो हज़ार बाईस में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं Osionfish. तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वे उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इंफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वह इंफॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों के लिए नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फेक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों चंदन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों के के को आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 49 नाइन तक लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंगे विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजे कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ तो पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वे उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वे अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और के पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इफॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक भी से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छा। पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छा। ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिजी लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी मां के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है होता कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बचा ने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की माँ उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेहतरीन से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नहीं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों चंदन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों दस में से पांच पॉइंट छ की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन एंडी को फिफ्टी सेवन परसेंट तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 49 परसेंट लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफी ज्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफिक खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजे कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसीज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है है। कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस सौ चौरासी के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहां लाल लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें ज़रूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार व्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों अदे चंदन जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पाँच की

मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े-बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमर मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार एंजॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसीज लगाए गए थे थे। वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे होता है कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वह और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी मां सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच जाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जब की रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी इन्जॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले और नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों अगर आप भी लाल सिंह चड्डा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्डा मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी 11 अगस्त 2022 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी लाल सिंह चड्डा जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा बात करें इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों आज चंदन जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से पांच की रेटिंग दी गई है एंड रोटेन टोमेटो ने दोस्तों इस मूवी को फिफ्टी तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफी इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है तो आप एक बार एंजॉय जरूर कीजिएगा गूगल यूजर्स ने इस मूवी को 49% नाइन तक लाइक किया है और पब्लिक और क्रिएटिव की तरफ से तो दोस्तों इस मूवी को आज भी काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया जा रहा है तो आप उससे अनुमान लगा लीजिए किस तरह की मूवी है बात करें दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में तो दोस्तों इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आमिर खान करीना कपूर खान शाहरुख खान नागा चैतन्य अहमद इब्न उमरे मोना सिंह विजय सेतुपति मानव विजी रोफी खान आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी लगने वाली है आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार इन्जॉय जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों एक बार इन्जॉय ज़रूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करें दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 में करौली जाने वाली एक ट्रेन में लाल सिंह चड्डा नाम का एक सिख व्यक्ति गोलगप्पे खाते समय अपने बगल में बैठे एक अजनबियों को अपने जीवन की कहानी सुनाता है उन्नीस में एक लड़के के रूप में लाल का आई क्यू था और घुमावदार रीढ़ को ठीक करने के लिए उसे लेग ब्रेसिज लगाए गए थे वे पंजाब की करौली में अपनी माँ के साथ रहता है जो एक फार्म चलाती है और उसे अपनी विकलांगताओं से परे जीने के लिए प्रोत्साहित करती है स्कूल के पहले दिन उसकी मुलाकात रूपा डिसूजा नाम की लड़की से होती है और दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं एक दिन दबंगों का एक समूह लाल पर पथराव शुरू कर देता है जब वे उसने बचने के लिए भागता है तो वे उसके पैर के ब्रिज खुल जाते हैं और उसे साफ होता है है। कि वे एक तेज धावक रूपा के पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उसने उसकी मां को पीट पीट कर मार डाला था जब रूपा की मां की मृत्यु हो जाती है तो उसे उसकी नानी के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है जो लाल के घर में काम करती थी लाल खुश है क्योंकि अब वे और रूपा हमेशा साथ रह सकते हैं जब उन्नीस के सिख विरोधी दंगे शुरू हुए तो लाल और उसकी माँ सुरक्षित रहने के लिए अपनी मौसी के यहाँ रहने चले गए वहाँ लाल की मुलाकात युवा शाहरुख खान से होती है और वह उसे डांस स्टेप्स और पोज सिखाता है जिसे बाद में वह अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करता है लाल को दंगाइयों से बच चाने के लिए लाल की मां ने एक सिख रूप में उसकी पहचान छिपाने के लिए उसके लंबे बाल काट दिए उसकी पगड़ी उतार दी लाल की मां उसे और रूपा को दिल्ली में हिंदू कॉलेज भेजती है और लाल पर किसी भी आतंकवादी हमले को मलेरिया संक्रमण के रूप में छिपाती है वहाँ लाल लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा का गवाह बनता है लाल ट्रेक और फील्ड में भाग लेती है और कई पुरस्कार जीतता है जबकि रूपा मॉडलिंग प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर देती है क्योंकि वे मुंबई में एक मॉडल बनने और अमीर बनने का सपना देखती है तो दोस्तों आगे ये क्या होने वाला है इनके सपने सच होते हैं या नहीं ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको ये मूवी एंजॉय करनी पड़ेगी मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको ये मूवी मिस नहीं करनी चाहिए तो आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों आज के इसी वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताएं और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बे से पहुंचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं दोस्तों अगले या नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत